वेलकम टू द डेली करेंट अफेयर्स सेशन ऑफ प्लांट एकेडमी। सो इस वीडियो में 8 जुलाई में जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आप सभी के लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें। तो बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टेकन इनिशिएटिव टू डेवलप 316 टूरिस्ट स्पॉट इन द स्टेट। तो किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में 316 टूरिस्ट स्पॉट बनाने की पहल की है? सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज असम। असम ने ये पहल की है, ठीक है। असम ने अभी एक और पहल की है, राइनो प्रोटेक्टिव फोर्स, ये भी रिसेंटली असम में स्टार्ट हुआ है ताकि राइनोसेरस को प्रोटेक्ट किया जाके। ओके, असम की बात करें तो मैप में, इंडिया के मैप में असम इस एरिया में शो करता है जो रेड से दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो असम के डायरेक्ट कैपिटल क्या है असम की? असम का कैपिटल है दिसपुर। ओके, वहाँ के गवर्नर कौन है? वहाँ के गवर्नर है जगदीश मुखी, ये जगदीश मुखी और ये असम के गवर्नर है। वहाँ के सीएम कौन है? चीफ मिनिस्टर, ये सर्बानंद सोनोवाल, ये वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और असम का हाई कोर्ट क्या है? तो असम का हाई कोर्ट है गुवाहाटी हाई कोर्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ इम्पोज्ड 3% टैक्स ऑन ऑनलाइन कंपनीज विद ग्लोबल रेवेन्यू ऑफ मोर देन 750 मिलियन यूरोज? ए पाकिस्तान, बी फ्रांस, सी चाइना और डी इंडिया। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फ्रांस। ओके, तो फ्रांस का, फ्रेंच पार्लियामेंट का जो लोअर हाउस है उन्होंने अप्रूव किया है स्मॉल पायनियरिंग टैक्स सारे इंटरनेट जाइंट कंपनीज पे, लाइक गूगल, फेसबुक और अमेजोन, ये सारे पे 3% टैक्स पे करने का। ओके, तो फ्रांस का बात करें तो फ्रांस वो एक यूरोपियन कंट्री है। तो फ्रांस मैप में यहाँ आपको शो हो रहा है, ये है फ्रांस। ओके, फ्रांस का कैपिटल क्या है? फ्रांस का कैपिटल है पेरिस, ठीक है। और फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, ये है फ्रांस के प्रेसिडेंट, ठीक है। और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है एडवर्ड फिलिप, ये एडवर्ड फिलिप जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। वहाँ के अपर हाउस को क्या बोलते हैं? तो फ्रांस के अपर हाउस को सीनेट बोलते हैं और वहाँ के लोअर हाउस को नेशनल असेंबली बोलते हैं। और वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, बोनालो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ठीक है। ए ओडिशा, बी असम, सी झारखंड और डी तेलंगाना। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज तेलंगाना। तेलंगाना में ये सेलिब्रेट किया जाता है। तेलंगाना में कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये तेलंगाना में गोलकोंडा फोर्ट, गोलकोंडा फोर्ट तेलंगाना में, वहाँ पर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, व्हाई इस फेस्टिवल सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? टू प्रेजेंट एज अ थैंक्स गिविंग टू द गॉडेस फॉर फुलफिलमेंट ऑफ वोज एंड इन्वॉल्व्स वर्शिप ऑफ द गॉडेस एंड हर वेरियस फॉर्म्स। ओके, तो कैपिटल क्या है इसका? कैपिटल क्या है तेलंगाना का? वो है हैदराबाद, ठीक है। इस एरिया में आप देख सकते हैं रेड जो मार्क किया हुआ है वो है तेलंगाना। वहाँ के सीएम कौन है? तो ये है सीएम के चंद्रशेखर राव। वहाँ का गवर्नर कौन है? वहाँ के गवर्नर है ESL नरसिम्हा, ESL नरसिम्हा। वहाँ पे राज्यसभा सीट कितना है? RS सीट है वहाँ पे 7 और लोकसभा सीट है वहाँ पे 17। वहाँ पे इम्पोर्टेंट रिवर कौन सी जो उस एरिया से बहती है? वो है गोदावरी एंड कृष्णा रिवर। और वहाँ का नेशनल स्पोर्ट है कबड्डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट PM लॉन्चेस प्लांटेशन ड्राइव? किस राज्य में प्रधानमंत्री ने प्लांटेशन ड्राइव लॉन्च किया है? ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी असम और डी मेघालय। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज उत्तर प्रदेश में ये लॉन्च किया गया है ताकि 20 करोड़ मतलब अप्रॉक्स 22 करोड़ वहाँ पे प्लांटेशन किया जाएगा। ओके, रिसेंटली मोदी जी ने वाराणसी में बाबत एयरपोर्ट पे लाल बहादुर शास्त्री के इमेज को भी वहाँ लगाया है, मूर्ति को वहाँ लगाया है।
और वहाँ पे मेंबरशिप, बीजेपी मेंबरशिप कैंपेन भी चलाया गया था रिसेंटली। तो यूपी आजकल इन सभी वजह से न्यूज़ में है। यूपी का बात करें तो यूपी का कैपिटल क्या है, यूपी का कैपिटल है लखनऊ। ओके, वहाँ के सीएम कौन है, सीएम है योगी नाथ। मैप में देख सकते हैं इस एरिया जो रेड से शो हो रहा है, ये यहाँ पे यूपी शो करता है इंडिया के आउटलाइन पे। गवर्नर कौन है वहाँ के गवर्नर है राम नायक। वहाँ का राज्यसभा सीट्स कितना है, आर एस सीट्स वहाँ पे है 31। और वहाँ का लोकसभा सीट कितना है, वहाँ पे लोकसभा सीट है 80। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव आधार लिंक्ड पेमेंट मोड फॉर डिस्पर्सल ऑफ टेंशन। ए असम, बी जम्मू एंड कश्मीर, सी मेघालय और डी उड़ीसा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर ने यह पहल किया है। क्यों? ताकि जो भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो स्कीम्स होते हैं स्पॉन्सर्ड किए जाते हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी बरतने के लिए, और जो भी डीलेज होता है उसको अवॉइड करने के लिए उसको पेंशन को आधार कार्ड से लिंक्ड किया गया है। गवर्नर कौन है जम्मू एंड कश्मीर के, तो वह है सत्यपाल मलिक। और वहाँ का कैपिटल क्या है, तो जम्मू एंड कश्मीर में समर में कैपिटल होता है श्रीनगर और विंटर में जम्मू होता है, तो वेदर के अकॉर्डिंग वैरी कर जाता है। इन विच सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट इज गोइंग टू सेट अप 3 स्पोर्ट्स सेंटर, दिसपुर, भुवनेश्वर, लखनऊ और ईटानगर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ईटानगर। वहाँ के जो यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, दैट इज किरेन रिजिजू। वहाँ के यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ओके, तो उन्होंने ये अनाउंस किया है कि वहाँ पे 3 स्पोर्ट्स सेंटर खुले जाएंगे, और ये जो सेंटर्स होंगे वो मार्शल आर्ट्स, वेट लिफ्टिंग और बॉक्सिंग के लिए खुले जाएंगे, और टोटल इसमें 300 स्पोर्ट्स पर्सन का जगह होगा, 300 स्पोर्ट्स पर्सन का। ओके, एंड ईटानगर इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है, अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर है बीडी मिश्रा। इन दिस फिगर ये है बीडी मिश्रा, वन मिनट, ये है बीडी मिश्रा। वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, ये है पेमा कांडू। और वहाँ के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन है, तो साउना मेन। ओके, स्पीकर ऑफ द असेंबली कौन है, दिसपुर यानी अरुणाचल प्रदेश के, दिस टेंजिंग नॉर्बू। वहाँ का हाई कोर्ट ईटानगर, परमानेंट बेंच गुवाहाटी हाई कोर्ट। और चीफ जस्टिस कौन है वहाँ के, एएस बोपन्ना। रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में ही नॉर्थ ईस्ट यूथ फेस्टिवल भी होस्ट होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख अब्दुल्ला बिन जैद अल नयान विल बिगिन अ 3-day विजिट टू इंडिया, ही इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, यूक्रेन, UAE, that is UAE is United Arab Emirates, United Kingdom, and last one is Uzbekistan. So right answer is option B, that is UAE, United Arab Emirates. Aim kya hai visit karne ka, 3 din ke jo ye India daure pe aaye hain, aim is to strengthen strategic partnership between the 2 countries, that is India and UAE. Okay, figure mein देख सकते हैं, ये है शेख अब्दुल्ला बिन जैद अल नयान, ये कहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं, यूएई के। ठीक है, यूएई इम्पॉर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए, बिकॉज यूएई इज़ द इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर आफ्टर चाइना एंड यूएस, एंड इट इज़ ऑल्सो द फोर्थ लार्जेस्ट एनर्जी सप्लायर। और यूएई में इंडियन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इंडियन माइग्रेंट्स बहुत ज़्यादा है, 3.3 million अप्रॉक्स है वहाँ पे इंडियन पॉपुलेशन, इसलिए यूएई और इंडिया का रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रैंकिंग्स विच क्रिकेटर रिटेन्स फर्स्ट पोजिशन अमंग बैट्समैन, रोहित शर्मा, डेविड वार्नर, बाबर अजाम एंड डी विराट कोहली। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज विराट कोहली। ठीक है, आई सी सी स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका मोटो क्या है, मोटो इज क्रिकेट फॉर गुड। फॉर्मेशन इसका कब हुआ, तो फॉर्मेशन उसका हुआ है 15th of June 1909 में। इसका हेड क्वार्टर्स है दुबई, यूएई। यूएई स्टैंड फॉर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। मेंबरशिप टोटल इसमें 105 मेंबरशिप है। चेयरमैन है वहाँ के शशांक मनोहर, और सीईओ है मनु सोनी। ठीक है,
अब फिगर में देखते हैं, यह विराट कोहली जिसको आईसीसी रैंकिंग में बैट्समैन में फर्स्ट रैंक मिला है, रोहित शर्मा को सेकेंड रैंक होल्डर है सेकेंड, और ये आज़म बारबर ये पाकिस्तान से हैं और बैट्समैन की कैटेगरी में ये थर्ड रैंक पे है, थर्ड पोजीशन पे है, और ये डेविड वार्नर, फोर्थ फिगर इज़ डेविड वार्नर, और ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, बैट्समैन है, और इनको फोर्थ पोजीशन मिला है। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 20 ईयर ओल्ड डिज्नी स्टार डाइज ड्यू टू द सीजर, सीजर इट इज़ अ काइंड ऑफ डिजीज दैट इज इट इज़ अ काइंड ऑफ ब्रेन डिसऑर्डर। ओके तो ए मैक्स चार्ल्स, डायलन मिनिट, कैमरन बॉयस और डी जॉय किंग। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी दैट इज कैमरन बॉयस। ये है कैमरन बॉयस, फिगर में आप लोग देख सकते हैं। तो रिसेंटली ये 20 साल के थे और इनकी मृत्यु हुई है ब्रेन डिसऑर्डर से। ये एक अमेरिकन एक्टर थे ओके, और इन्होंने बहुत सारे मूवी में काम किया लाइक मिरर्स, ईगल आई, ग्रोन अप्स एंड ग्रोन डाउन। ही प्लेड ल्यूक रॉस रोल्स इन द डिज्नी चैनल। ठीक है तो रिसेंटली इनकी मृत्यु हो गई 20 साल में। इन विच सिटी इंडियाज़ फर्स्ट डिज़ाइन डेवलपमेंट सेंटर फैशन ओवा हैज़ बीन लॉन्च्ड, लखनऊ, बी मुंबई, सी सूरत और सी चेन्नई और डी सूरत। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी सूरत। अब सूरत आता कहाँ है, सूरत आता है गुजरात में, ये है गुजरात जो रेड लाइन पर दिख रहा है। गुजरात जो है वो वेस्टर्न कोस्टल एरिया में पड़ता है, वेस्टर्न कोस्टल एरिया में पड़ता है, और कोस्ट लाइन एरिया गुजरात का कितना है 1600 किलोमीटर। ठीक है वहाँ के कैपिटल क्या है गुजरात की, कैपिटल है गांधीनगर। ठीक है और वहाँ कैपिटल गांधीनगर, और एम क्या है फैशन ओवा खोलने का, एम यही है ताकि फैशन डिज़ाइन सेक्टर को डेवलप किया जा सके फैशन ओवा के द्वारा। ठीक है सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच सिटी विल होस्ट द इंटरनेशनल सनफ्लावर सीड एंड ऑयल कॉन्फ्रेंस दैट इज ISSOC, इंटरनेशनल सनफ्लावर सीड एंड ऑयल कॉन्फ्रेंस, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई और छत्तीसगढ़। सो राइट आंसर इज मुंबई, ISSOC होस्ट किया जाएगा इस बार मुंबई के द्वारा। ठीक है और ये थर्ड एडिशन है ISSOC का, ये थर्ड एडिशन है। ठीक है ये थर्ड एडिशन है और कब से कब तक ये चलेगा 19th to 20th ऑफ जुलाई। कहाँ पे होगा मुंबई में, तो मुंबई में होगा ट्रीडेन होटल नरीमन पॉइंट मुंबई, और इस इवेंट का थीम क्या है, पोजीशन प्रमोशन एंड प्रॉस्पेक्ट ऑफ सनफ्लावर ऑयल। ये ऑर्गेनाइज्ड कौन करता है, इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेशनल सनफ्लावर ऑयल एसोसिएशन, इंटरनेशनल सनफ्लावर ऑयल एसोसिएशन दैट इज़ ISOS के द्वारा ये ऑर्गेनाइज्ड होता है। और इस साल ये होस्ट किसके द्वारा किया जाएगा, होस्ट किया जाएगा ये सॉल्वेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सॉल्वेंट एक्स्ट्रा एक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया दैट इज SEA, सॉल्वेंट एक्स्ट्रा एक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये इसके द्वारा सी के द्वारा होस्ट किया जाएगा और ऑर्गेनाइज होगा ISOA के द्वारा। ओके तो ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो। तो अगर इम्पॉर्टेंट हो और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और जितना हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।